दोस्तों, क्या टीम इंडिया 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी? पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली इस बड़ी ट्रॉफी में क्या भारत का नाम भी नहीं होगा? और अगर ऐसा होता है तो कौन सी टीम टीम इंडिया की जगह लेगी? 2017 में इंग्लैंड की मेजबानी में हुए चैंपियंस ट्रॉफी का वो फाइनल तो आपको याद ही होगा, जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने थे और पाकिस्तान ने हमें धूल चटाते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। अब वो ट्रॉफी फिर से वापस आ रही है, लेकिन इस बार मेजबान है खुद पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, क्या टीम इंडिया इस बार पाकिस्तान जाकर खेलेगी? यहीं पर ट्विस्ट आता है। अब सोचिए, इतने सालों बाद ये मौका आया है, लेकिन भारत पाकिस्तान की कड़वाहट और तनाव अब भी बरकरार है। बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। हाँ, वही पाकिस्तान जहां आखिरी बार 2008 में हमारी टीम ने कदम रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बीसीसीआई ने ये फैसला एकदम से कर लिया? बिल्कुल नहीं। दरअसल पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया को मनाने के लिए एक बड़ा ऑफर रखा था। ऑफर ये था कि टीम इंडिया सिर्फ अपने मैच खेलकर पाकिस्तान से तुरंत वापसी कर सकती है, मतलब चाय भी नहीं पीने देंगे। लेकिन बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया। अब सोचिए, पीसीबी ने कहा, भाई साहब आओ खेलो और फटाफट निकल लो, और बीसीसीआई ने कहा, न भाई, ये पाकिस्तान की चाय हम नहीं पी सकते। तो अब मामला बड़ा ही अजीब हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर टीम इंडिया 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी तो उसकी जगह कौन लेगा? तो यहाँ श्रीलंका का नाम सामने आता है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 की टॉप 8 टीमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाली है। अगर भारत नहीं खेलेगा तो श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर भारत नहीं खेला तो 2025 की ट्रॉफी में कौन कौन शामिल होगा? तो चलिए जल्दी से आपको लिस्ट दे देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, और श्रीलंका भी घुसने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई का फैसला सही है? इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या टीम इंडिया को पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए क्रिकेट की हर बड़ी खबर, वो भी मजेदार तरीके से।